ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी का 1.1 जो है उसमें से कौन से टॉपिक देखे थे, कौन से क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लियर किया था। उसके पहले मैंने प्रॉपर्टी दी थी चार केस, चार केस के ऊपर ही यहाँ पे 1.1 डिपेंडिंग। ओके अभी हमारा जो दो क्वेश्चन बच गए थे वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उनको सॉल्व करना है, सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। खाली अभी वो क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन कैसे देखना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का एक डायग्राम रहेगा, डायग्राम के बाजू में क्वेश्चन है। सेगमेंट PS परपेंडिकुलर है किसको, RQ को, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है किसको, PR को। सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है किसको, PR को। इफ़ RQ इज इक्वल टू 6, अगर उन्होंने बोला है RQ इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 6 दिया है। PS इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है। PR इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। देन फाइंड क्या बोला है, QT। अभी यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, देखो पहले तो हमें क्या लिखना है, गिवन। गिवन में क्या लिखना होता है, जो दिया है वो, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। ओके इसके बाद और दिया है, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। ओके और दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे वैल्यूज दिए है, RQ यानी कि QR कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो दिया है वो एज इट इज लिखो। PS कितना दिया है, 6 एंड PR कितना दिया है, 12। और हमें जो निकालना है वो यहाँ पे लिखना है टू फाइंड में, टू फाइंड का मतलब होता है जो हमें निकालना है। ओके यहाँ पे टू फाइंड में क्या निकालने बोला है, QT इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन। यहाँ पे 3 स्टेप में आपको प्रोसीजर करना है कोई भी सम का। पहले क्या लिखना है, गिवन, गिवन के बाद क्या लिखना है, टू फाइंड, टू फाइंड के बाद क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में क्या देखना है हमें, डायग्राम को। यहाँ पे ट्रायंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके और दूसरा भी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों भी है, लेकिन देखो एक जो ट्रायंगल है यहाँ पे साइड में मैं निकाल रहा हूँ वो है अपना ऑप्टियूस वाला। देखो डायग्राम दिख रहा है, ऑप्टियूस यानी कि बड़ा वाला है, इसका बेस क्या है, QR। ओके या RQ। और इसकी हाइट हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी एंगल ऑप्टियूस होता है तो उसका हाइट यानी परपेंडिकुलर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है, ट्रायंगल के कहाँ होता है, बाहर। तो इसका हाइट क्या होगा, PS। अपना फॉर्मूला एरिया का क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, RQ, और हाइट क्या है, PS। चलो एक का हो गया। ओके अभी दूसरा ट्रायंगल PQR कैसे है, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे टिल्ट करूँ, ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे टिल्ट करूँगा तो ये Q पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। P पॉइंट कहाँ पे आएगा, आगे, और R जगह पे रहेगा बराबर। तो वहाँ पे मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो वो Q पॉइंट जो नीचे था, घुमाने के बाद इसको मैंने ऐसा किया, घुमाने रोटेट करने के बाद Q पॉइंट कहाँ पे चला गया, ऊपर। और ये जो P पॉइंट है वो आगे आएगा और R पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। ओके तो ये भी PQR ही है ना। ओके अभी इसका बेस क्या है, PR दिख रहा है। अभी ये ऑब्ट्यूस है कि अक्यूट है, ये ट्रायंगल अक्यूट ट्रायंगल है। अक्यूट यानी कि इसके सभी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। ओके तो ये जब भी ऑब्ट्यूस रहेगा तो बाहर आता है हाइट, और अक्यूट रहेगा तो अंदर। देखो अंदर एक हाइट है यहाँ पे, ये QT। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे बेस में, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस है PR इंटू इस हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, QT। ओके अभी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं वापस, देखो दोनों ट्रायंगल एक ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। खाली यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऑब्ट्यूस दिख रहा है, ऑब्ट्यूस यानी कि बेस उसका अलग रहा है, क्या है बेस, 1/2 RQ लिखा, और यहाँ पे हाइट क्या है, PS। अगर मैं उसको टिल्ट कर रहा हूँ
तो उसका बेस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेस, पी आर, तो पी आर लिखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या आ रहा है अंदर, क्योंकि अक्यूट एंगल जब रहता है, अक्यूट ट्राइंगल जब रहता है तब उसकी हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर और परपेंडिकुलर, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखना कि हाइट अगर मेजर करते हैं तो परपेंडिकुलर वे में ही मेजर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो कैंसिल क्या होगा वो पहले देखते हैं, 1/2 कैंसिल हो गया, ये भी सेम है ना, तो सेम जो है वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, वन जा कुछ नहीं रहता, वहाँ पे क्या रहता है वन, वन को क्या कहते हैं हम, मैथ्स का भगवान, जिधर कुछ नहीं रहता उधर क्या होता है वन होता है। यहाँ पे भी कट वन वन लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि क्या आएगा आर क्यू जो आएगा मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए वन वन लिखा नहीं, तो आर क्यू का वैल्यू दिया है देखो कितना दिया है 6, पी एस कितना दिया है 6, पी आर कितना दिया है 12, क्यू टी दिया है क्या, नहीं दिया है क्योंकि क्यू टी को हमें फाइंड करना है, ओके। देयरफॉर का साइन दे रहा हूँ, देखो आपको इसी तरीके से लिखना है, इक्वल का साइन नीचे आना चाहिए। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो या फिर आपको आ रहा है 6 6 36 करो या फिर कैसे भी कर सकते हो, 6 1 6 6 2 12, ओके 2, तो बचा के यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1 × 6 upon 2 × QT। देखो वापस 2 के टेबल में कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 6, ओके हो गया। अभी क्यू टी देखो यहाँ पे डिवाइड में है ना, उसको यहाँ पे क्रॉस डिवाइड कब, जब इक्वल के वो साइड में जाता है तो उल्टा होता है, यानी क्यू टी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये वन यहाँ पे डिवाइड में वो वहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। इतना डिटेल में स्टेप लिखा नहीं तो भी चलेगा, ओके। क्यू टी वन जा क्यू टी वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जिससे मल्टीप्लाई करो वही आंसर आएगा, 3 1 3 3 1 3 तो आंसर आ रहा है 3। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आपको क्या लिखना है यूनिट्स, ओके। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है खत्म होता है, समझ में आया। वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल PQR सेम था लेकिन एक ऑब्ट्यूस दिख रहा है और टिल्ट करने के बाद एक अक्यूट आ रहा है, तो वहाँ पे बेस क्या है आर क्यू है, हाइट क्या है पी एस है, बराबर, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, जो एरिया का फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि ये आपको 6 से चालू है, ओके। नहीं आ रहा है तो ध्यान में रखना है क्या होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पहले ट्रायंगल का हाइट और नीचे दूसरा यानी कि B2 × H2, ओके। इसके बाद सेम एरिया है तो सेम एरिया ट्रायंगल लेके तो उसका एरिया सेम रहेगा, यानी कि कट हो गया तो वहाँ पे क्या बचता है 1/1। यहाँ पे क्या 6 के टेबल में 12 आ रहा था तो कट किया 6 2 12, बचा जो है ऊपर लिखा 1 × 6 ऊपर, 2 × QT नीचे, लेकिन वापस देखा 2 के टेबल में 6 आ रहा है तो डिवाइड होगा, 3 आ गया यहाँ पे, क्यू टी यहाँ पे डिवाइड में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 × QT 1 × 3 3, तो आंसर क्या आ रहा है 3 यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन 3 यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख रहे हैं हमें अभी, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में वही प्रोसीजर है, क्वेश्चन दिया है AP परपेंडिकुलर है BC को और AD पैरेलल है किसको, BC को। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको वापस वही मैं बता रहा हूँ कि लिखते टाइम गिवन जो है वो लिखना है, गिवन मतलब क्या, जो दिया है वो खाली कॉपी करना है आपको कि AP परपेंडिकुलर है किसको, BC को, और AD पैरेलल है किसको, BC को। इसके बाद आपको क्या लिखना है टू फाइंड, देखो अगर टू फाइंड करने बोला है वैल्यू निकालना है तो टू फाइंड लिखते हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको प्रूव करनी है तो आपको टू प्रूव लिखना है, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, अभी इस टू का मतलब, ये इस टू का मतलब होता है अपॉन, ये भी चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ये मुझे निकालना है। तो आपको देखो टू फाइंड और गिवन इनकी मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है सॉल्यूशन। अभी आप अच्छे से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे लिखना है, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना है तो ट्रायंगल ABC आपको दिखना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ पे साइड में मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ ABC का, ABC दिख रहा है,
हमेशा क्या करो, एग्ज़ाम में नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए अगर डायग्राम देखो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, दो तीन डायग्राम मिला के एक डायग्राम बनता है, ओके तो जिस पे हमें फोकस करना है उसको साइड में लेना है, यानी कि कट पेस्ट जो बोलते हैं ना कंप्यूटर में, इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे देखना है ए परपेंडिकुलर टू, तो ए बी सी मिल गया। अभी आप बोलो मुझे क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या आ रहा है बी सी आ रहा है, हाइट क्या आ रहा है बोलो ए पी, ओके ठीक है चलेगा। अभी नीचे जा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ओके सेम। अब बी सी डी, तो बी सी डी मुझे निकालना पड़ेगा, देखो बी सी डी निकाल रहा हूँ डायग्राम, देखो ये ऑब्ट्यूस आ गया ना, बी सी यहाँ पे नीचे डी, इसका हाइट कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, डी यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया है तो कंस्ट्रक्शन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई, क्या लिख रहा हूँ ई। अभी आपको एक बात समझनी है, 1/2 बेस, बेस क्या है यहाँ पे बी सी है, यानी कि बेस सेम आ रहा है, ओके तो बच रहा है क्या हाइट, क्या बच रहा है हाइट। लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये लाइन कैसे है, ए डी पैरेलल है किसको बी सी को, अगर ए डी पैरेलल है बी सी को, मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो ए पी का जो डिस्टेंस रहेगा स्ट्रेट वही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल, समझो कि दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे, ये लाइन इसको पैरेलल है बराबर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे चेंज होगा क्या परपेंडिकुलर, नहीं, इसका मतलब हाइट भी क्या है सेम है। यहाँ पे मुझे लिखना है क्या, बी सी इज अ कॉमन बेस, ये कॉमन बेस हो गया यानी कि वो सेम है, ओके बट ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये कहाँ दिया है हमें गिवन, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का हाइट सेम होगा, यानी कि जो ए पी का रहेगा वही डी ई का रहेगा, देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर सेम, क्या बोला मैंने, जब भी लाइन पैरेलल रहती है जो उसका हाइट रहेगा उसके बीच में आने वाले हर एक परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेम, तो यहाँ पे ए पी भी उन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, डी भी उन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए पी और डी कैसे है सेम, तो वापस ऊपर वाला कंडीशन में नीचे ले रहा हूँ, देखो अच्छे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, 1/2 कट कर दिया, बचा क्या बी सी, बी सी कट हो गया, बचा क्या ए पी अपॉन डी, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा कट, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया बराबर, तो क्या बचेगा 1:1, ओके। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे बेस भी सेम था और हाइट भी क्या आ रही है सेम, तो हमारा फोर्थ कंडीशन याद करो, ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, जब भी ट्राइंगल की हाइट और बेस दोनों सेम होगी तो रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है हॉरिजॉन्टल, तो हमें आंसर करते समय भी हॉरिजॉन्टल ही करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू क्या आएगा 1:1, यहाँ पे आपको बॉक्स कर देना है और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है खत्म होता है। देखो वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है और फाइंड करने बोला है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी आपको फाइंड करने बोला है उससे ही आपको स्टार्ट करना है, फाइंड करने क्या बोला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मैंने क्या किया सिंपल करने के लिए, यहाँ से जो एबीसी का डायग्राम है उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसका बेस बी सी है, हाइट ए पी है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा ट्रायंगल दिया था मुझे बी सी डी, तो बी सी डी ट्रायंगल मैंने निकाल लिया बराबर, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूस है, देखो ऑब्ट्यूस है तो हाइट बाहर जाता है, अक्यूट है तो हाइट अंदर आता है, ओके इतना ध्यान में रखना है, तो बी सी तो कॉमन बेस है बराबर,
लेकिन ये जो दोनों हाइट है वो सेम आया, क्यों सेम आया, क्योंकि उन्होंने कंडीशन गिवन में दी है। क्या गिवन में दिया है, एडी पैरेलल टू बीसी। अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे ही मैंने बताया, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम ही होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेम होगी, इसके लिए हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, ए पी इज इक्वल टू डी। तो कॉमन बेस है मतलब सेम बेस हो गया, हाइट भी सेम है मतलब सेम हाइट होगी, ओके, लाइन पैरेलल है इसके लिए, तो हाइट बेस सब कट हो जाएगा, बचा क्या, 1:1। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में दिया है तो हमें भी हॉरिजॉन्टल वे में ही उसे लिखना है। समझ में आया, ओके, अगर नहीं समझाए तो इसके लिए वापस एक सेशन होगा जो जूम पे लेंगे लाइव, तो उसमें आपको समझ में आएगा, ओके, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना है, क्योंकि अगर आपने इसको देख लिया तो जब जूम का लाइव सेशन होगा उसमें रिविजन बड़ी आसानी से कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे 1.2 में आएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेंगे, ओके, ठीक है, थैंक यू।